नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ, इंडिया के बता दूं, अगर गल्फ देशों की बात करें, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, जी हाँ सऊदी वगैरह में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विदेशों में रहते हैं। जी हाँ, और उसमें से कितने लोग अभी साल भर वीडियो पहले मैंने बनाया था कि पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के 7,000 से ज़्यादा लोग जेलों में बंद है। लेकिन ये वो आंकड़े हैं जिनके रिकॉर्ड विदेश मंत्रालय में रजिस्टर्ड हैं। जी हाँ, जिनकी शिकायतें वहाँ पे की गई हैं, जो विदेश मंत्रालय कोशिश करता रहता है कि इनको निकाला जाए, वो है। जैसे सेम कंडीशन ये है कि विदेशों में विदेश मंत्रालय बोलता है लगभग 3.5 करोड़ के लोग विदेश रहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि 5 करोड़ से ऊपर लोग विदेश रहते हैं, क्योंकि जो लोग विजिट में जाते हैं उनका विदेश मंत्रालय में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। समझ गए? तो ये कंडीशन सेम है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि 7 साल के बाद में, जी हाँ, रहमान, अब्दुल रहमान बिहार का बंदा जेल काट के घर पहुंचा है। जी हाँ, उसके साथ में गौरी शंकर नाम का भी बंदा था, तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब ये क्या हुआ कि काफ़ी आज से 8-9 साल पहले ये लोग पहुंचे थे कहाँ पे? सऊदी अरबिया में। एक एजेंट कबूतरबाज ने, देखिए कबूतरबाज ऐसे ही नाम नहीं रखा एजेंटों का, कबूतरबाज ने इसको भेजा था कि भाई सब्जी का काम करना है, सब्जी से रिलेटेड, जी हाँ, और लानी ले जानी बेचनी, ऐसा कुछ काम करने के लिए भेजा था। कबूतरबाज ने वहाँ कबूतरों के काम में लगवा दिया, यानी वहाँ पे काम मिला कबूतरों की गंदगी साफ करने का, जैसा कि रहमान ने अपनी हकीकत बताई न्यूज़ चैनल को, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसने काम किया। 7.5 साल पहले उसका कोई एक वहाँ पे कोई लड़ाई हुई, लड़ाई में नाम आ गया कि ये जो अब्दुल रहमान है हत्या के प्रयास का, जी हाँ, उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बंदा बिहार का रहमान दर्जी, जो बेचारा गरीब बंदा था, उसको पकड़ के पुलिस ने अंदर डाल दिया। अब भाई सऊदी है, आपको सबको पता ही है, छोटी सी का बड़ा सा सजा है, बड़ा सा कानून, बड़ा सा अगर अपराध कर दे तो उसका कितना बड़ा सजा होता है, आपको सबको पता है। तो वहाँ 7 साल सिर्फ हत्या के प्रयास, 307 इंडिया में धारा लगती है और 3 महीने में जमानत हो जाती है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है भाई, सऊदी है वो, समझ गए। 7 साल के बाद में पूरी परिवार ने कोशिश की, इंडियन सरकार ने भी पूरी कोशिश की, इंडियन एम्बेसी ने भी पूरी कोशिश की, विदेश मंत्रालय में न्यूज़ वगैरह काफ़ी टाइम से चली रही थी। काफ़ी मशक्कत के बाद में ये बंदा 7 साल के बाद में अपने घर पहुंचा। गौरी शंकर भी उसी जेल में था जिस जेल में रहमान था। जेल में देखिए, 7 साल एक जगह आदमी अगर कितना भी अट्ठा कट्ठा हो, भाई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ये मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से इसको पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो गौरी शंकर ने सोचा यार इसको मेंटली प्रॉब्लम है, तो हम इसको घर छोड़ देते हैं। बम्बई उतरे, बॉम्बे से बिहार ट्रेन पकड़ के आए और गौरी शंकर ने रहमान को घर तक छोड़ा, साथ में आप तस्वीर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती, तो अब हमें नहीं पता सच्चाई का कि मामला क्या, हत्या के प्रयास में इसका नाम आया और पुलिस ने पकड़ लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, वो या तो रहमान जाने या फिर भाई वहाँ की सिस्टम जाने, लेकिन अच्छी बात है कि घर पहुँच गया। इसलिए ये जानकारी मैं आप लोगों को साथ दे रहा हूँ, खास तौर से विदेश में रहने वाले सुन लीजिए। देश की बदनामी तो होती है, नो डाउट, परिवार की बदनामी होती है, समझ गए। आपको जेल काटनी पड़ती है, कितना भयंकर सजा से गुजरना पड़ता है, आप सोचिए। आप ये मत सोचना कि आप जेल में बैठे, आप कुछ क्राइम करके, गलत करके किसी भी देश में और आप जेल चले जाओगे, आपसे ज़्यादा बेहतर आपके परिवार वालों की स्थिति खराब होगी, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है, समझ रहे हैं बात को। अगर आप अंदर चले गए तो वो बाहर होते भी अंदर हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आपसे ज़्यादा, आप तो अंदर हैं, सरकार रोटी आपको खाना सरकार दे रही है, आपको 2-3 टाइम जो भी खाना मिलता है वो टाइम पर मिलेगा, आंधी आ जाए, बरसात हो जाए, आपको समय पे मिलेगा, लेकिन आपके घर वालों का कोई अता पता नहीं रहेगा, क्योंकि वो आप ही उनको कर रहे थे, आपकी वजह से वो, आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके परिवार वाले, आपकी वजह से सब कुछ टाइम पे खाना मिल रहा था। अगर आप ये छोटी सी गलती करके, आप 30 मार का बनकर आवेश में आके, जोश में अपनी जवानी दिखाने की कोशिश करते हैं, होश में, जोश में होश खो बैठते हैं, ये नतीजा होता है। इंडिया के बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग हैं जो अलग अलग देशों में जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, जिनको कोई निकालने वाला नहीं है। तो बस रिक्वेस्ट यही है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसी हरकत करने से पहले 2 बार सोच लो, अपने परिवार की तरफ सोच लोगे तो अगला थप्पड़ मारेगा, तो आप सामना नहीं करोगे ना तो आप बच जाओगे। वो थप्पड़ का दर्द एक बार होगा, लेकिन अगर सामना कर लिया तो फिर जेल, फिर अब पता नहीं क्या क्या होगा, सेम रहमान वाली स्थिति हो सकती है। तो बस ये जानकारी देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।